दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में आपको मैं बताने वाला कि आप कौन से आप फिशेस है आप पाउल में रख सकते हो और अपनी जो हॉबी है उसको आप एंजॉय कर सकते हो। विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट द वीडियो। देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे जो मैं बात करने वाला हूँ बाउल की बात कर रहे हो, तो जो बाउल है वो 12 इंचेस का होना चाहिए। उससे नीचे आप बाउल मत खरीदो। अगर उससे नीचे अगर आपके पास बाउल है तो उसमें फिशेस आप मत ऐड करो। आप प्लीज़ आप फिश स्टोर से 12 इंचेस का बाउल आप ख़रीद लो, उसके बाद ये सारे फिशेस है आप इनमें से कोई भी फिशेस आप ऐड कर सकते हो। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप ये आप ध्यान में रखिए। और दोस्तों, जैसे भी आप बाउल आप ख़रीदोगे तो दोस्तों बाउल में थोड़ा बहुत आप सेटअप करो। अगर प्लांटेशन लाइव प्लांटेशन है तो प्लांटेशन करो, या फिर आर्टिफिशियल प्लांटेड का सेटअप करो तो वो भी आप आराम से आप कर सकते हो। और ऑक्सीजन इसमें इम्पोर्टेंट है, भले आप बेटा फिश भी रखोगे तो भी आपको जो ऑक्सीजन है वो आपको मशीन इसमें लगाना चाहिए, क्योंकि बाउल में वाटर वॉल्यूम रहता कम रहता है और कुछ दिनों के बाद वो जो पानी का जो ऑक्सीजन रहता है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए आपकी जो फिशेस है वो बाउल से बाहर आ सकती है। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप एक आप ऑक्सीजन मशीन जो ऑक्सीजन जो रहेगा मशीन आप लगा के उसमें आप एयर पंप आप डाल सकते हो। तो ये सारी चीज़ों का अगर आप अच्छे से आप ध्यान रखोगे तो आप जो भी मैं जो फिशेस बताने वाला हो वो फिशेस आप आराम से इसमें बाउल में आप रख सकते हो। फर्स्ट फिश है वो है बेटा फिश। बेटा फिश मतलब फाइटर फिश। तो फाइटर फिश में आप मेल्स को रख सकते हो, फीमेल्स को रख सकते हो, दोनों में से कोई एक क्वांटिटी को आप रख सकते हो, या फिर मेल रखो या फिर फीमेल रखो। तो बेटा फिश को फाइटर फिश को हम रख सकते हैं। देखो अभी इसमें ऐसा हो जाता है कि जो फाइटर फिश है उसको हीटर की ज़रूरत रहती है। जैसे कि मैं मुंबई में रहता हूँ तो जो ट्रॉपिकल जितने भी सिटीज़ हैं वहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मली 28-30 रहता है, तो वहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं है। बट अगर ठंडे इलाके में रहते हो तो वहाँ पे आपको हीटर की ज़रूरत पड़ सकती है, अगर आप बाउल में रखने वाले हो तो। तो ये आपका जो पानी है वो गर्म रखना होना चाहिए। अगर आप हीटर नहीं लगाओगे आपके टैंक में तो भी आपका जो बल्ब रहेगा और थोड़ा ज़्यादा वाट का लगाओ, इससे पानी रहेगा और हीट रहेगा। बट बेटा फिश आप बॉल के लिए सूटेबल है, तो बेटा फिश आप बॉल में आप आराम से आप रख सकते हो। मेरे जो दूसरा फिश है वो है गप्पी फिश। अभी गप्पी फिश में हम यहाँ पे मेल से ऐड करने वाले हैं, क्योंकि हम पेयर नहीं रख सकते। अगर आप पेयर रखोगे तो मेल फीमेल को चेस करेगा, बाद में फीमेल से वो बच्चे देगी और बाद में आपका बॉल ओवर क्राउड हो जाएगा। तो इसके लिए अब मेल्स रखो, आपका जो सेटअप रहेगा वो भी अच्छे से दिखेगा और आप भी एकदम एंजॉय करोगे आपकी हॉबी। दोस्तों, बाज में जो फिश है वो है ब्लाइंड केव टेट्रस। ये टेट्रा फिश का ही वेराइटीज़ है, इसको रिक्वायरमेंट बहुत ही कम है टैंक साइज़ के, तो आप इसको आप बाउल में आप रख सकते हो, आराम से रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाद में जो फिशेस है दोस्तों वो है श्रिम्स। श्रिम्स को आप रख सकते हो, अगर आप लाइव प्रेजेंटेशन उसमें सेटअप करके रहेगा तो आप श्रिम्स को आप ऐड करना, वो आपके अच्छे से बाउल में रहेगी। दोस्तों, बाद में जो फिश है वो ज़ेब्रा डाइनोज है। ज़ेब्रा डाइनोज को आप आराम से आप बाउल में रख सकते हो, बट क्वांटिटी आप कम रखो तो अच्छा रहेगा, मतलब 2-3 ही क्वांटिटी आप बाउल में रखो। दोस्तों, बाद में जो मैं माइनोस फिश की बात करूँगा, वाइट क्लाउड माउंटेन माइनोस, तो उनको आप बाउल में आप रख सकते हो। बाद में दोस्तों मैं एक बात करूँगा टेट्रा वेराइटीज़ की, उसमें है एम्बर टेट्रा। एम्बर टेट्रा फिश को आप बाउल में आप रख सकते हो। उसके बाद आप पी पपर जो फिश है उसको भी आप आराम से आप रख सकते हो बाउल में। ये बहुत ही छोटी स्पीसीज है पफर फिश की। बाद में दोस्तों आप चेरी बाफ फिश को आप रख सकते हो। वन ऑफ द हार्डेस्ट फिश है चेरी बाफ, तो चेरी बाफ फिश को
आप बाउल में आप आराम से आप रख सकते हो। उसके बाद दोस्तों कोरिडोरस कैटफिश को भी आप रख सकते हो। कोरिडोरस कैटफिश में आप सॉल्ट एंड पेपर कोरिडोरस कैटफिश और सिक्स रे कोरिडोरस कैटफिश, ये जो दो फिशेस है वो आप बाउल में आप आराम से रख सकते हो। छोटे पीसेज है और बाउल में अच्छे से वो सर्वाइव हो गए। दोस्तों ये जो मेरा वीडियो था, अगर आप बाउल में फिशेज रखने की सोच रहे हो तो आप कौन से फिशेज आप रख सकते हैं उसके ऊपर था। तो आई होप इस वीडियो से आपको अच्छी खासी आपको इन्फॉर्मेशन मिली रहेगी, और आप इन फ्यूचर अगर बाउल लेने का सोच रहे हो या फिर अगर आपके पास बाउल है तो आप आराम से ये सारे फिशेज है इनमें से कोई भी एक फिशेज आप ऐड कर सकते हो और आपकी जो हॉबी है वो बाउल में आप फिश रख के आप एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों अभी इस वीडियो से मैं विदा ले रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, हेल्पफुल लगा रहेगा। मिलते हैं कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक दोस्तों टेक केयर एवरीवन एंड बाय।